आई थिंक जूही रानी, दीज आर द टू आई कैन रिमेंबर स्ट्रेट ऑफ. पुरानी जो अभिनेत्रियां हैं उनके बारे में सबसे जो खूबसूरत और शानदार किरदार जिन्होंने निभाया हो कौन आपको अच्छी लगती है सबसे ज्यादा? मेरे ख्याल तीन हैं मेरी जो फेवरेट हैं. एक हैं नरगिस जी, एक वहीदा जी और मधुबाला. कौन सी ऐसी आपकी को स्टार है जो सबसे अच्छी दोस्त भी आपकी है, जो सब सब फ्रेंड्स में से सब को स्टार्स में एक दोस्त भी आप कह सकते हैं? आई थिंक रानी. दिस हैज टू बी कुक रैपिड फायर. फेवरेट हेयर कट? मंगल पांडे. फेवरेट लुक? आई थिंक दिस गजनी लुक. गजनी? नो वी डोंट लाइक इट. सबसे बढ़िया किरदार, सबसे जानदार शानदार किरदार जिसमें वाकई में दम था? सरफरोश एसीपी राठौड़ इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. सबसे मजेदार रोल? अंदाज अपना अपना. आपका फेवरेट नेता? ज्यादा पॉलिटिशियन से मिला नहीं हूँ लेकिन आई थिंक लालू जी इज माय फेवरेट. ही हैज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. पसंदीदा विलेन? आई थिंक प्राण साहब. फेवरेट खाना? और आप बिरयानी खा नहीं रहे? अम्मी खाना मेरा फेवरेट है, मतलब जो भी वो बनाती है मुझे पसंद आता है. एंड उसमें से एक डिश जो खास तौर पे मुझे पसंद है वो सीख कबाब जो बनाती है. अच्छा, क्योंकि आप थिंकिंग और सोचने समझने वाले एक्टर कहे जाते हैं, बहुत ही जहीन और महीन बातें करते हैं, तो आपसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं. न्यूक्लियर डील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. आई थिंक न्यूक्लियर एनर्जी की हमें सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए अगर हम जो डील मेरे ख्याल अमेरिका के साथ साइन कर रहे हैं वो डील ऐसी ना हो जिसमें हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करें. अब वो क्या डील है मुझे खुद पता नहीं. फिल्मों में स्मोकिंग के सीन्स होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए. मतलब होने चाहिए, लोग उसमें डालें ऐसा नहीं, लेकिन वो कटने नहीं चाहिए या बैन उस पर नहीं होना चाहिए. आमिर आजकल इतने पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, तो क्या सरकार को पेट्रोल के दाम जो हैं सब्सिडाइज करने चाहिए? वेल आइडियली अगर कर सकें तो करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कर पाएंगे क्योंकि दाम काफी बढ़ गए हैं और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बढ़ेंगे, वर्ल्ड ओवर में बढ़े. हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक. आमिर खान के साथ हमारी बातचीत और हमारी बिरयानी भी जारी रहेगी. हैदराबाद में तुम्हें बिरयानी तो खानी होगी. कुछ ऐसे अल्फाज एक एक लफ्ज में बोलूंगी, दिमाग में आपके क्या आता है? शादी. शादी इट्स पार्टनरशिप. सच्ची मोहब्बत ट्रू लव. केयरिंग. केयरिंग को हिंदी में क्या कहूंगा? ख्याल करना. गुस्सा. गुस्सा जो है वो खुद को आप खुद का खून जलाते हैं गुस्से में. आजादी. हाँ आजादी मुझे लग रहा है आपका पसंदीदा वर्ड है ये. आजादी फर्स्ट थिंग कम्स टू माइंड भगत सिंह. कामयाबी. कामयाबी से मुझे जो थॉट आता है माइंड में वो ये है कि खुशी. मतलब कहने का मतलब ये है कि आमतौर पे हम सोचते हैं कामयाबी मतलब मुझे पैसे मिल गए या मैं अच्छा जॉब मिल गया, मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, मैं मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरे पास गाड़ी है. मेरे हिसाब से जब आप वो काम करें जिससे आपके दिल को खुशी हो वो कामयाबी होती है. आज का नेता? यंग. बहुत से विवादों से आप जुड़े रहे हैं, अब ना चाह के भी विवाद बन जाते हैं जो कुछ भी आपके शब्द होते हैं, जो कुछ भी जिस तरह से भी आप एक्सप्लेन करते हैं चीजों को. आपका एक स्टेटमेंट था अमिताभ के रोल पर ब्लैक में, तो उसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? दरअसल जो मैंने उस टॉपिक पे मुझे जो कहना था मैं कह चुका, मेरे ब्लॉग पे मैंने लिखा है, तो आप चाहें तो आप जाके पढ़ सकती हैं. फिर भी जो नहीं दोहराना नहीं चाहूंगा मैं. अच्छा वो शाहरुख के बारे में जो पंचगनी में वो तो मजाक था, पर उसको भी लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंड किया. नहीं वो मीडिया ने मिसअंडरस्टैंड किया, लोगों ने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया. अच्छा किरण के बारे में बताइए, शादी से के बाद जिंदगी कितनी बदल गई है आपकी, वाकई में वो